भारत चीन सीमा विवाद के पीछे की सच्चाई सामने आई। यह विवाद दशकों से चला आ रहा है और हाल के वर्षों में इसमें और भी तनाव बढ़ा है। जयशंकर ने अपने 75% वाले दावे को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि यह दावा केवल पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को हटाने के संदर्भ में है, न कि पूरे सीमा विवाद के समाधान के। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में भारत चीन सीमा गतिरोध पर अपने बयान को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि यह प्रगति केवल एक क्षेत्र में हुई है और अभी भी बहुत काम बाकी है। उन्होंने कहा कि 75% प्रगति का संबंध केवल पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को हटाने से है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह अंतिम समाधान नहीं है। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले समझौतों के बावजूद चीन ने 2020 में सैनिकों को LAC पर तैनात कर दिया। I think the India-China relationship is key to the future of Asia. In a way, you can say if the world is to be multipolar, Asia has to be multipolar. Therefore, this relationship will influence not just the future of Asia, but in that way, perhaps the future of the world as well. We have long pursued what we call the Act East policy with ASEAN at its center. But again, in the last decade, we have seen that mature into something beyond the ASEAN. I would argue that the arrival of Indo-Pacific as a strategic concept is actually the success of the Act East policy and the extension of India's interests today all the way to Australia, which is for us today a very crucial. इतिया यह तैनाती दोनों देशों के बीच के संबंधों को और जटिल बना देती है। गलवान घाटी में घातक संघर्ष ने दोनों देशों के बीच के नाजुक संबंधों को रेखांकित किया। इस संघर्ष ने सीमा पर स्थिरता की आवश्यकता को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। हालांकि घर्षण बिंदुओं पर सैनिकों को हटाने का काफी काम हो चुका है, लेकिन गश्त के मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें समय लगेगा। अगला महत्वपूर्ण कदम तनाव को कम करना है। इसके लिए दोनों देशों के बीच निरंतर संवाद और कूटनीतिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने बहुध्रुवीय एशिया और दुनिया के लिए भारत चीन संबंधों के महत्व पर बल दिया। इन संबंधों का प्रभाव न केवल क्षेत्रीय स्थिरता पर बल्कि वैश्विक राजनीति पर भी पड़ता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक रणनीति के साथ दांव ऊंचे हैं। इन नीतियों का उद्देश्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। इस विकसित होती कहानी के और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। हम आपको ताजा जानकारी देते रहेंगे। यह यंग माइंड्स ऑफ इंडिया है, जो आपके लिए ताजा खबरें लेकर आया है।